राशन दुकानों कार्यालय बंद होने से उपभोक्ताओं किसानों को हो रही परेशानियां। उकवा, पूरे भारत देश में अनेकों विभाग वाले अपनी अपनी मांग पूरी करने के लिए अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री से धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देकर पूरी करना चाहते हैं, किंतु ना तो केंद्र सरकार सुन रही और ना राज्य सरकार सुन रही। इसी के तहत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति उकवा पंजीयन क्रमांक 747 मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के तत्वाधान में 24 अप्रैल 2023 को जिस प्रकार शासन के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर तानाशाही का रवैया अपनाते हुए अनेकों बार वादा खिलाफी करती रहती है, इसी तारतम्य में महासंघ के आह्वान पर शाखा बैयर के अंतर्गत सभी समितियां उकवा बिटली गड़ी भंडेरी बैयर के समस्त कर्मचारियों के द्वारा समिति कार्यालयों राशन की दुकानें पूर्ण रूप से बंद कर महासंघ के एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए। एक कारण राशन उपभोक्ता को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, साथ ही कृषि से संबंधित कार्य नहीं हो पा रहे। देखे पूरी खबर उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। आप लोगों के द्वारा ये जो कार्यालय और उचित मूल्य की दुकानें जो बंद रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारे कई वर्षों से हमारी जो मांगें चल रही हैं शासन से, बार बार जाने के बाद में शासन हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए ये कार्यालय आज बंद है। हम आज भोपाल जाके अपन जंग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मांग में क्या क्या है? मांग में हमारे सेवा नियम होना चाहिए, मैंने कर्मचारियों की सेवा नियम समिति की कर्मचारियों की, और क्या है कि राज्य शासन जो अन्य कर्मचारियों को जो दर्जा दे रहा है वो दर्जा देना चाहिए, देने की मांग है। और बस कोई मांग है, ज़्यादा कोई नहीं है। नहीं है, कब से मांग कर रहे हो आप लोग? 20 वर्षों से मांग है। 20 वर्षों से मांग है। अच्छा, आज तक नहीं सुनी गई? आज तक की कोई मांग सुनी नहीं। अच्छा, तो आपका कहना आप क्या है? बस वही है, और मांग करते जा रहे हैं, आश्वासन देते जा रहे हैं। भोपाल गए थे, भोपाल जाने के बाद में हमने आश्वासन दिए 24 तारीख तक के आदमी को, फिर आश्वासन के बाद में फिर हमने आज 24 तारीख को इधर देख के बोलो कि हम इधर हैं। नहीं तो कितने दिन के लिए धरना प्रदर्शन? आज के लिए 24 तारीख, एक दिन के लिए।